हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं कि आज का कनाडा का स्पेशली मैनिटोबा का क्या सिनेरियो चल रहा है कि अगर आप इंडिया से या अपनी होम कंट्री से वन ईयर का कोर्स लेके आते हो या फिर कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हो एंड एक साल का कोर्स आपका है तो आपके लिए पीआर के क्या ऑप्शंस होंगे, क्या ये टाइमलाइन जो आपको एक साल का वर्क परमिट मिलेगा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में क्या वो सफिशिएंट होगा। तो अगर ये सिनेरियो आपका भी है देन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप उन ऑप्शंस के बारे में जान सकेंगे कि बाय चांस आपकी जो वर्क परमिट है एक साल का वो खत्म हो रहा है देन व्हाट विल बी योर ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास जिनके थ्रू जाके आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी है वो टाइमली ले पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली आप सब लोगों को इस बात के बारे में पता होगा कि अगर आप वन ईयर की स्टडी करते हैं तो आपको एक साल का वर्क परमिट मिलता है, दो साल की स्टडी करते हैं तो तीन साल का वर्क परमिट, सबको पता है। बहुत लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे कनाडा में जो एकेडमिक वन ईयर होता है वो 8 months को इंक्लूड किया जाता है कि अगर आपने 8 महीने का कोई भी कोर्स किया है तो उसको आप एक साल बोल सकते हो। लेट्स से आपने एक एक साल के 2 courses किए हैं, 8 महीने प्लस 8 महीने तो ये 2 साल कंसीडर किए जाएंगे। इस सिनेरियो में आपका जो वर्क परमिट है वो 3 साल का आएगा। तो अगर आप स्प्लिट करके अपनी स्टडी करना चाहते हैं, एक साल मतलब एक ही कोर्स 2 साल का नहीं लेना चाहते तो ऐसे भी आप अपना जो टाइम है वो कट कर सकते हैं। लेट्स से आपने डायरेक्टली कोई भी 2 साल का डिप्लोमा 2 साल का मतलब के सर्टिफिकेट ले लिया तो उसमें आपको एटलीस्ट 24 months का वो होता है या को वगैरह डाल के 22-26 months का भी कई बार चला जाता है। तो आप ये भी कर सकते हो कि 1+1 courses भी ले सकते हो। उसमें क्या होगा, 8 महीने प्लस 8 महीने इज इक्वल टू 16 months, राइट। तो आपके जो 7-8 महीने हैं वो आप कट कर सकते हो अगर 2 साल की स्टडी का प्लान है। बट अगर आपको एक ही साल की स्टडी करनी है देन उसमें क्या सिनेरियोज होंगे, क्या उसके प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। प्रो सबसे पहला ऑब्वियसली कि एक साल की अगर हम एवरेज की बात करें कनाडा में कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज की फीस की तो 8 से 10 लाख $16,000 मिनिमम हम मान सकते हैं, देन इट गोज अप टू $20,000-$22,000, राइट। तो मान के चलिए कि आपका जो एक साल का ही कोर्स है, आपने 2 का नहीं लिया, एक साल का कोर्स आपने वो 10 लाख सेव कर लिया, लेट्स से। अब ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हो इसमें मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये आप अमाउंट अगर आपको यूज करनी पड़ी तो वो आप कैसे करेंगे, राइट। लेट्स से कि आपने एक साल का कोर्स फिनिश किया, एक साल का वर्क परमिट आया। ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कब से स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ गई, आपकी डिग्री आ गई, जिस दिन भी आपने अपना अप्लाइड स्टेटस पे आ गए, जो वर्क परमिट अप्लाई कर दिया सेम डे से आप फुल टाइम आवर्स इंक्लूड करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो लेट्स से कि आपकी जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है ऑलमोस्ट आज के टाइम पे 2.5-3 महीने 4 महीने तक भी ले रहे हैं वो लोग प्रोसेस करने में, तो 4 महीने ये जो होंगे आपके अप्लाइड स्टेटस के ऊपर या आपके एक्स्ट्रा बोनस मान के चल सकते हो। उसके बाद में जिस दिन वो आपका वर्क परमिट आ गया उस दिन से 1 साल यानी कि 12 महीने का वो वर्क परमिट आपको मिलेगा। तो इन टोटल लेट्स से आपके पास 15 महीने का वर्क परमिट आपको मिल गया सपोज कर सकते हैं, राइट। तो जी आपने एक साल की स्टडी कंप्लीट की, मैं यहाँ पे ये वीडियो में पर्टिकुलरली मैनिटोबा पीएनपी की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं रहता हूँ, इसका सिनेरियो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि क्या टाइमलाइन है पीएनपी प्रोग्राम्स की, एक्सप्रेस एंट्री की। तो आपको ज्यादा डिटेल अगर किसी भी प्रोग्राम की चाहिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, राइट। तो यहाँ पे सिनेरियो है जी, आपने एक साल की स्टडी कंप्लीट की, आपको मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए फुल टाइम जॉब में पीएनपी अप्लाई करने के लिए। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट कमिंग डायरेक्टली टू मैनिटोबा। बहुत लोग मूव करके भी आते हैं, उनकी जो स्टडी है वो दूसरी प्रोविंस में होती है। जो लोग ऐसे हैं उनको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है जी। तो जो लोग 6 महीने का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, लेट्स से आपकी स्टडी फिनिश हुई, आप अप्लाइड स्टेटस के ऊपर आ गए
एंड एक आधा महीना जॉब ढूंढने में लगा तो एक महीना आपका चला गया, छह महीने डायरेक्टली आपके पीएनपी मतलब कि एलिजिबल होने के लिए आपको चाहिए, राइट। टोटल में सात मंथ्स आपके चले गए, फिर एक आधा महीना आपको पीआर की मतलब कि पीएनपी की आप फाइल जो है वो अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करोगे, ये सारी चीजों में निकल जाएंगे। आठ महीने आपके ऑलरेडी इज गॉन, ठीक है। तो पीएनपी आज के टाइम पे मिनिमम चार महीने ले रही है, मिनिमम चार से पांच महीने उस चीज को प्रोसेस करने के लिए, राइट। तो चार महीने उसमें और जोड़ लिए, एक साल का जो आपका वर्क परमिट है वो निकल चुका है एंड आपके पास अभी पीएनपी अप्रूवल आया है या नहीं आया। अगर आप एक जेन्युइन वे में देखें, लेट से कि आपका जो वर्क परमिट है अगर वो टाइम पे आ गया तो वो आपके लिए लॉस की बात है, राइट, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा जो टाइम है वो नहीं मिलेगा। एक साल आपका पीएनपी आने में ही आ गया, देन व्हाट विल बी द अदर ऑप्शंस, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेटस चले जाएंगे। एंड अगर एक बार आप आउट ऑफ स्टेटस चलेंगे अपने वर्क परमिट पे, स्टडी परमिट पे, देन इट विल डेफिनेटली बी हार्मफुल फॉर योर पीआर एप्लीकेशन। आप कभी भी ये बात को पल्ले बांध के रखिए कि कभी भी आपको, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप वर्क परमिट होल्डर हैं, कभी भी आपको आउट ऑफ स्टेटस नहीं जाना है, क्योंकि उनके पास सारी की सारी डिटेल रहती है आईआरसीसी के पास में। तो आपको ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर ये सिनेरियो होता है, उसके लिए भी एक टिप आपको दे देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप आउट ऑफ स्टेटस हो रहे हो, जस्ट अप्लाई फॉर द वर्क परमिट एक्सटेंशन। डजंट मैटर आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके क्या होगा कि आप अप्लाइड स्टेटस पे काम कर सकते हो, ये आईआरसीसी खुद बोलती है कि आप अप्लाइड स्टेटस पे काम कर सकते हो। तो दो महीने भी उन लोगों ने आपकी फाइल को प्रोसेस होने को ले लिए, देन एटलीस्ट आप एलिजिबल हो अप्लाइड स्टेटस पे काम करने के लिए, राइट। तो वो आपको कुछ भी नहीं बोल सकते, बाय चांस वो रिजेक्ट भी कर दे दो महीने बाद, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप आउट ऑफ द स्टेटस नहीं थे उस टाइम के ऊपर, आपने वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करके रखा था। डजंट मैटर, आपको पहले से ही पता था कि रिजेक्शन आएगी, बट आप आउट ऑफ स्टेटस नहीं थे, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है जी। उसके बाद में चलते हैं पीएनपी की तरफ दोबारा से, कि अब आपका एक साल का जो वर्क परमिट है वो निकल चुका है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस। आपके पास दो ही ऑप्शंस ऐसी बचती हैं जिसमें आप मतलब के अपना जो स्टेटस है वो गेन कर सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ऐसा होता है कि जो लोगों की पीआर की फाइल सबमिट हो जाती है, देन उनको एक एओआर मतलब के आसान भाषा में बोले कि आपका पीआर फाइल नंबर अगर आपको अलॉट हो गया, देन यू कैन गो विद ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट। ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो जिनके पास अपना जो फाइल का नंबर है पीआर का वो आ चुका है, आपको ओपन वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा। ये कह के कि आप अपनी जो पीआर की फाइल है उसके लिए वेट कर रहे हो, आपकी प्रोसेसिंग में चल रही है। सेकेंड एंड थर्ड सिनेरियो जो मोस्टली केसेस में होते हैं, तो ऐसा है जी कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कनाडा में अगर आपको पीआर चाहिए तो आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके साथ आप फुल टाइम काम कर रहे हो उसके हाथ में बहुत कुछ है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको परमानेंट रेजिडेंसी दिलवाने में। लेट से कि आपकी जो वर्क परमिट है एक्सपायर हो रहा है, तो एम्प्लॉयर के पास में कोई भी रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर जो एक से दो साल पुराना मतलब कि जनरल बिजनेस कर रहा है, वो आईआरसीसी को एक पर्टिकुलर फीस पे करके आपको एज एन एम्प्लॉय रिटेन कर सकता है। वो फीस इज अ जेन्युइन फीस, जस्ट लाइक $250 to $300 जस्ट एक फीस होती है, लेकिन उसी चीज के कई बार वो आपसे चार्ज करते हैं अंडर द टेबल। तो वो आपका मतलब कैसा रिलेशन है, क्या वो आपको कुछ चार्ज करना चाहता है नहीं करना चाहता, इट्स बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टीज, राइट, कि आपका कैसा रिलेशन है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जिस भी एम्प्लॉयर के साथ में आप काम कर रहे हो, आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। उसको टाइमली काम करके दो, एक अच्छा मतलब के रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके दो, ताकि आपको बाय चांस एट द एंड ऑफ द वर्क परमिट आपको कुछ भी जरूरत पड़े वो हैप्पीली आपकी जो है आपको सपोर्ट कर सके। तो ये एक सिनेरियो होगा। सेकेंडली, बहुत लोगों के आइडिया होगा LMIA के बारे में, राइट। तो LMIA क्या चीज होती है? क्लोज्ड वर्क परमिट, यानी कि आप एक एम्प्लॉयर से एक लेटर लेते हैं
और उससे ये कमिट करते हैं कि आप उसके साथ में एक साल दो साल काम करेंगे। वो LMIA भी बेसिकली इज ऑल अबाउट द ब्लैक मार्केट। जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो जेन्युइन वे में दे देती हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे नहीं है। वो एम्प्लॉयज यूजुअली चार्ज यू अराउंड $20,000-$30,000 फॉर दैट पर्टिकुलर LMIA। तो मैं हमेशा ये चीज सजेस्ट नहीं कर रहा कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप ऐसा करो, बट मैं सिनेरियो आपको दिल का दिलासा देने के लिए ऐसे समझा सकता हूं कि अगर आप दो साल का कोर्स लेके आने वाले थे, एक साल की फीस आपकी पहले साल की फीस लेट से के 10 लाख, दूसरे साल की फीस 10 लाख, 20 लाख हो गया, यानी कि $40,000, राइट। अगर आपने एक साल का कोर्स करना है, आपने ओनली पे किए हैं $20,000, तो वो जो सेकेंड ईयर की फीस थी आपकी $20,000, वो आपकी सेफ है सेकेंड साइड पे, राइट। तो वो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना एक साल का कोर्स पूरा कीजिए, PMP का एक्सपीरियंस लीजिए, जो भी मतलब के स्टडी कंप्लीट करने के बाद में आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है PR के लिए, क्या मैं सफिशिएंट टाइम में PMP एंड PR ले सकता हूं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप ले लेंगे अपनी PR, तो गो विद दैट आइदर, या फिर आप एक साल का और उस टाइम पे कोर्स ले लें वो फीस पे करके, या फिर एक साल का कोर्स ही कीजिए, अपनी जर्नी PR की स्टार्ट कीजिए, वो पैसे जो हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप LMIA में यूज़ कर सकते हैं। LMIA में आपने वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट भी बोलूँगा मैं, तो ऑब्वियसली आपको मतलब दो साल का जो वर्क परमिट है, चाहे वो आपने पे करके लिया, लेकिन वो आपको मिल जाएगा। तो आपने एक तरह का मतलब कि 3 साल का ही वर्क परमिट ले लिया, लेकिन आपने जो स्टडी है वो एक ही साल की है। तो ये सिनेरियोस को आपको ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, केस टू केस वेरी करती हैं चीज़ें। जस्ट एक चीज़ रिकमेंड करूंगा एट द एंड कि एक साल के कोर्स में आज के टाइम में आप अपनी PR जो है वो नहीं ले सकते। तो यू हैव टू फाइंड द ऑप्शंस कि अगर बाय चांस आपका जो वर्क परमिट है एक्सपायर हो रहा है, तो व्हाट विल बी द ऑप्शंस फॉर यू। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आइदर आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, आई विल रिप्लाई, या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर रीच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी सॉर्ट ऑफ इमिग्रेशन क्वेरीज, स्पेशली अबाउट द मैनिटोबा PMP या फिर एक्सप्रेस एंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।